रामटेक में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामटेक पुलिस स्टेशन में एक होमगार्ड और उसके साथी द्वारा दो युवकों की पिटाई की घटना सामने आई है। इस पिटाई में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। 25 तारीख को ये घटना जो है वो हुई थी। 25 तारीख को विवेक खोबरागड़े और उनके एक मित्र जिनका नाम फजान है, ये दोनों रामटेक मंदिर के शोभा यात्रा के लिए गए हुए थे, तकरीबन शाम के 7:30 के आसपास। उसके बाद शोभा यात्रा के बाद लौटने के दौरान उनका झगड़ा आरोपियों के साथ हुआ। झगड़े का जो मूल कारण था वो दोनों के गाड़ियों के बीच में धड़क के वजह से झगड़ा जो है वो उत्पन्न हुई। जो दोनों गाड़ियां हैं डैमेज्ड, वो भी पुलिस ने सीज की है। इसके वजह से दोनों के बीच में एक फिजिकल झगड़ा भी हुआ, जिसमें कि फजान और विवेक खोबरागड़े जो मैयत हैं उनको इंजरीज आई। उसके बाद ये घटना जो है वो उस दिन पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट नहीं की गई। अगले दिन विवेक खोबरागड़े जो मैयत हैं उनकी मौत जो है वो इंटरनल इंजरीज, मतलब स्प्लीन में इंजरीज के वजह से हुई। जैसे ही ये घटना को पुलिस स्टेशन पर 26 तारीख को रिपोर्ट किया गया, इमीडिएटली आरोपी जो है, जिसमें से एक जो मेन आरोपी है भारती बोल करके है, उन्हें और दो और जो उनके साथ लोग थे उन्हें डिटेन किया गया। और जैसे ही FIR दाखिल हुआ उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया। जाति के आधार पर उसकी मारहाणगी सामने आ रहा है, क्या तथ्य इसमें? जो FIR है उसमें मेंशन किया गया है कि जातिवाचक कुछ स्टेटमेंट्स हुई थी। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का भाग है, लेकिन इनका जो मूल वाद है वो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बारे में है। और ये जो महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे, वो सेम गांव के भी नहीं है। ना आरोपी पार्टी ना जो मैयत पार्टी है वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। और इनके बीच में जो एक्सीडेंट हुई है उसका, उसमें जो मोटरसाइकिल्स है उन्हें पुलिस ने सीज भी की है। जो मुख्य आरोपी, उसका बैकग्राउंड क्या है? मुख्य आरोपी जो है वो एक होमगार्ड है। होमगार्ड का सिस्टम ये रहता है कि वो आमतौर से पूरे साल पर पुलिस खाते से अटैच नहीं रहते हैं, किसी किसी टाइम पर उनको बंदोबस्त के लिए बुलाया जाता है। और जितने दिन उन्होंने बंदोबस्त किया है बस उसका उनको पेमेंट प्राप्त होता है। इस बंदोबस्त में होमगार्ड्स को डिप्लॉय नहीं किया गया था। मुख्य आरोपी जो है वो ऑफ ड्यूटी था और बंदोबस्त से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। इसने मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के वजह से इसका झगड़ा जो है वो इस मैयत के साथ हुआ था, और दुर्घटनावश मैयत को उस झगड़े के दौरान जो इंजरीज हुई उसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हमारा कहना ये है कि हमारा बच्चा कोई किसी लोग प्रेम नहीं था। दूसरी बात, ये गए थे रामटेक आते वक्त वो होमगार्ड के कौन पुलिस वाला है उसने उसको मारा बोलते बहुत सारा ऐसा मारा उसने कि उसकी जान चली गई है। तो हमको कितने लोग इसमें शामिल थे वो हमें चाहिए पूरे, और इसको पूरा न्याय मिलने को ना, हमारा कहना है।